अब हम इसके अदर इंपॉर्टेंट टूल्स की बात करते हैं। ये होती है हमारी हैक्सॉ, ठीक है। हैक्सॉ का यूज हम मेटल को कट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा जो जॉब हैगा, है ना, जब हम इसमें पंचिंग वगैरह करते हैं, देख रहे हैं कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी पंचिंग की, है ना। तो जब हम इसमें पंचिंग करने के बाद हम इसे करते हैं, इसे कट करते हैं। कट करने के लिए हम किसका यूज करना पड़ता है, हैक्सॉ का, ठीक है। हैक्सॉ की जो ब्लेड होती हैगी, ये होती है हाई कार्बन स्टील की, ठीक है। इसमें दो पिनें दी हुई होती हैं, ये कहलाती है फिक्स पिन यहाँ पर, और ये होती है कि एडजस्टेबल पिन, ठीक है। ये जो आप नट देख रहे हैंगे, इसे हम कहते हैं कि फ्लाइंग नट भी आप इसे कह सकते हैं, विंग नट भी आप इसे कह सकते हैं, और थंब नट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे इतने नामों से क्यों जानते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, इसको थंब के माध्यम से इसे ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, थंब नट या विंग नट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैंगे, इसके पिन तो आप देख ही रहेंगे, इसकी जो लंबाई होती हैगी हेक्सा ब्लेड की, हमेशा एक पिन होल के दूसरे पिन होल तक की दूरी से ली जाती हैगी। देख रहे हैं, ये पिन होल हैगा और ये दूसरा पिन होल हैगा, इन दोनों के बीच की दूरी से ही इसको मापा जाता हैगा, ठीक है। जो हेक्सा ब्लेड होती हैगी, ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती हैगी। ये दो तीन तरीके से आती है, जैसे कि ये ऑल हार्ड हैगी, इसी में एक होती है फ्लेक्सिबल, आप इस पर वर्क करते समय अगर आपका हैक्सा ब्लेड मुड़ जाए या उसे कुछ हो जाए तो ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये ऑल हार्ड वाले हैंगे, ठीक है। इसमें एक फ्लेक्सिबल भी होता हैगा, जिसे आप किसी भी एंगल में मोड़ दीजिए पर ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। आप उसे फिर सीधा करके दोबारा यूज के लिए ले सकते हैंगे, ठीक है। अब हम बात करें इसके फ्रेम की, तो इसका जो फ्रेम होता हैगा, ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता हैगा, और ये देखने में कैसा दिखता हैगा, सी के जैसा, है ना, एक बड़ा सा सी, ठीक है। मगर ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो डिग्री होती है कि ये 90 डिग्री पर ही होगा, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमने फाइल में ही पढ़ा था, तो ये भी हैंडल एंड फेरूल हैगा। इसके अंदर जो भाग गया हुआ होता है, जिसमें इसको हेक्सा को जोड़ा जाता हैगा, है ना, वो कहलाता हैगा टैंग, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो आप हेक्सा देख रहे हैं, ये बहुत से तरीके के और भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल तो मैं आपको इसमें कटिंग करके दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जब हम हेक्सा को रखते हैंगे, ध्यान रखिएगा, हेक्सा को चलाने से पहले हम क्या करना पड़ता है, एक स्लॉट बनाना पड़ता हैगा। तो इस तरीके से अपने थंब को यहाँ रखना पड़ता हैगा, उसके बाद आप एक स्लॉट काटेंगे, ये आप देख सकते हैं, एक कट नजर आ रहा होगा आप लोग को यहाँ पर, इसे हम स्लॉट कहते हैं। अब इसी स्लॉट के ऊपर रख करके हम इसको हेक्सा को इसमें कटिंग कर सकते हैं। देखिए, अभी आप देख सकते हैंगे, इसी अकॉर्डिंग हम इसे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये हिस्सा कट के बाहर हो जाएगा, ठीक है।